हेलो, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और इस जाती हुई सर्दी का ज़रूर मज़ा उठा रहे हैं। चलो इस जाती हुई सर्दी में बनाते हैं एक टेस्टी सा स्नैक जो बनेगा हमारी शाम की चाय के साथ के लिए। वैसे आप बताना, आप में से कितने सारे लोगों को आलू टिक्की पसंद है स्ट्रीट स्टाइल वाला? मेरा तो फेवरेट है। चलो आज इसे ही बनाते हैं घर पे। उसके लिए हम ले लेंगे आलू जिनको मैंने बॉईल करके रखा है। उसके बाद उसको अच्छे से छिलके निकाल के फिर मैश कर देंगे और उसमें डाल देंगे अरारोट और फिर इसकी गोल गोल सी टिक्की बना देंगे। जैसे इसे खाने के बाद हमारा फेस हो जाएगा गोल गोल। और फिर हम ले लेंगे एक पैन जिसमें हम डाल देंगे ऑयल। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना, हमें इसे शैलो फ्राई करना है लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से धीरे धीरे पक जाए। थोड़ी अंदर तक भी पक जाएंगी और फिर क्रिस्पी भी हो जाएंगी। अगर आप इसको डीप फ्राई कर दोगे या एकदम से गर्म तेल में इसे शैलो फ्राई करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि बाहर से तो ये हो जाएगी क्रिस्पी पर अंदर से ये रह जाएंगी कच्ची। और फिर जो आप तारीफ़ पाना चाह रहे हो इस टिक्की को बनाने के बाद, वो तारीफ़ नहीं, वो बुराई हो जाएगी। देखो, मैंने पैन को हिलाते डुलाते हुए अच्छे से चारों तरफ से इस टिक्की को बना लिया है। और बस, ज़्यादा इंग्रेडिएंट और ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत सिंपल रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। मैंने बहुत सारी और वीडियोज़ बनाई है रेसिपीज़ के ऊपर, अगर आप वो भी देखने में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर देखना और उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी की सारी रेसिपीज़ को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने उसको ट्राई किया और कैसी लगी आपको। देखो, एकदम क्रिस्पी है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी सी बन गई है। अभी इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर देंगे और फिर इसको हम साइड में निकाल लेंगे। और फिर क्या करना है, बन गई हमारी टिक्की? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट झटपट सी बन जाएगी। देखो, मैंने एक टिक्की निकाल ली है। अब इसको अच्छे से मैशर से, पूरा मैश नहीं करना, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि जो क्रिस्पी एजेस बनते हैं ना बाद में इसको डबल फ्राई करने के बाद, उसका टेस्ट ही अलग आता है। देखो, अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल में फिर से शैलो फ्राई कर लेंगे। और ये सब हम बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे कर रहे हैं। लो फ्लेम करनी है, कभी थोड़ी सी हाई करनी है, फिर थोड़ी सी लो करनी है, बस कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत टेक्निक लगाएंगे और बस हमारी क्रिस्पी टिक्की तैयार है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते, बस जो भी मेहनत है वो हमारे इसे फ्राई करते वक्त ही लगेगी, क्योंकि उसमें अगर हमने अच्छे से इसे फ्राई कर दिया तो ये एकदम क्रिस्पी बन जाएगी। और यकीन मानना, इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाई है। हम निकाल लेंगे गर्मा गर्म टिक्की अपनी एक अच्छी सी प्लेट पे। फिर हम डाल देंगे इसमें दही, जिसमें मैंने पहले से थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छे से रख रखा है। फिर इसमें हम डालेंगे हमारी ग्रीन वाली चटनी, जो है धनिए और पुदीने की एकदम अच्छी सी चटपटी सी चटनी। और फिर इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी जो मैंने घर पर बनाई थी। बाकी सारी चीज़ें भी घर पर ही बनाई थी, बस दही बाज़ार का था। और बस इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और बहुत सारा चाट मसाला। और इसे गार्निश करेंगे धनिए से और थोड़ा सा अनार के दानों से। आप इसको बना के ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। ये टिक्की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना